आपका जो अपने धार्मिक स्थल खोलने की जो चर्चा है, सरोवर में स्नान की चर्चा है, मैं उस बारे में यही कहूँगा कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे अजमाते हुए इनको यदि खोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन रखें, सैनिटाइजर का ध्यान रखें, जहाँ तक वो कुंड में स्नान को अभी जारी नहीं करें, क्योंकि कुंड के अंदर यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग में पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी अपने इंडिया में 80 टू 85% लोग विदाउट सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी चिकित्सा टीम हमेशा इन श्रद्धालुओं के साथ तैयार रहेगी। स्नान के लिए कि जहाँ तक वो प्रतिबंधित रहे, क्योंकि सिम्टम यदि हैं तो वो उसको तो बिल्कुल रोकना है, यदि थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर आ रहे हैं तो उसको सरोवर के अंदर जाने से रोकें। ये हम चाहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए सभी यात्रियों की और मंदिरों की को खोल दिए जाए, सबको अलग कर दिए जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और धार्मिक भावना के लोग हिंदुस्तान में ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पे आने वाले सभी को इस कोरोना के बचाव के लिए डिस्टेंसिंग पालना करनी चाहिए और अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी यात्रियों से, स्थानीय नागरिकों से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इस धर्म को सुचारू रूप से धार्मिक कार्यक्रम को चलाने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। बैठक है वो इस बात के लिए थी कि जो वैश्विक महामारी जो चल रही है और उसमें जो 3 महीने का लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन रहा जिसमें देश के सभी धर्मस्थल बंद रखे गए थे, और अनलॉक होने के बाद में 1 जून से देश के सभी महत्वपूर्ण मंदिर लगभग 8 जून से चालू खोल दिए गए हैं, पर लेकिन पुष्कर का जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वो अभी तक नहीं खुला है। और जहाँ तक पुष्कर तीर्थ की बात है, पुष्कर तीर्थ की 25,000 की आबादी कोरोना के संकट में इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वहाँ का सारा व्यापार जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटन पे निर्भर करता है, पर लेकिन जब से ये लॉकडाउन चल रहा है किसी को भी कोई रोजगार और आजीविका की बड़ी समस्या आ रही है। तो ये देखते हुए कि जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे यहाँ पुष्कर में अलग परिस्थितियाँ हैं कि घर घर में मंदिर हैं और मंदिरों में जो हमारे जातीय यजमान आते हैं उन्हीं से हमारी आजीविका चलती है, तो यदि मंदिर नहीं खोले जाएंगे तो हमारे सामने भारी संकट सामने दिख रहा है, और यदि मंदिर खोले जाते हैं और ये घोषणा होती है तो यहाँ तीर्थयात्री और पर्यटक भी आएगा, पर्यटक आएगा तो और जो व्यापारी यहाँ के सारे डिपेंड होटलियन है, धर्मशालाएँ हैं, वो सभी यात्रियों पर डिपेंड है, तो जब तक ये मंदिर नहीं खुलते हैं तो ये भारी समस्या हमारे लिए बनी हुई है। तो आज हमने यहाँ उपखंड कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई है उसमें सुझाव मांगे गए हैं सभी धर्मस्थल के लोगों से कि 25 तारीख तक माननीय जिला कलेक्टर साहब इन सब सुझावों को संयोजित करके राज्य सरकार को सबमिट करेंगे कि क्या 1 जुलाई से मंदिर खोले जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। हम चाहते हैं कि पुष्कर के मंदिरों को खोल देना चाहिए और इससे आर्थिक चक्र घूमेगा और लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। अभी पिछले दिनों जब सीएम साहब ने विसिट किए थे उस वक्त हमें बुलाया था और हमने उनसे आग्रह किया था कि जो है आप जो मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले, जिससे कि जो ब्राह्मण है और मंदिरों से जुड़े जो जितने भी व्यापार है बाजार के अंदर, उन सब की जो है आजीविका की गाड़ी जो है पटरी पे दौड़ सके और उन सब लोग जो अपनी अपनी आजीविका को आसानी से चला सके, क्योंकि ये सब जो सरकार के बस का नहीं है कि वो तमाम जो जितने भी राजस्थान के लोग हैं उनके खातों में जो नगद नारायण जमा करा सके। तो हमारी उनसे प्रार्थना थी कि आप जो है मंदिरों को खोलने की, पर्यटक स्थलों को खोलने की इजाज़त दें, जिससे कि श्रद्धालु अपनी भावना, अपनी आस्था को मंदिर में जाके अपनी प्रार्थना कर सके इस कोरोना महामारी के खिलाफ, इसको जो मिटाने के लिए। और हमने प्रार्थना की आज की मीटिंग में, उपखंड अधिकारी जी की मीटिंग में, तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से, तमाम तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, कि हम जो है घाट पे प्रशासन की, सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए यजमानों को पुष्कर में दर्शन, मंदिरों के दर्शन, सरोवर पे पाठ पूजा कराएंगे, आचमन कराएंगे। और हमारा यही उनसे कहना था एक बार फिर से कि आप जो है जल्द ही मंदिरों को और घाट को श्रद्धालु यजमानों के लिए खोलने की इजाज़त दें। जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो धार्मिक स्थल है पुष्कर में, विशेषकर ब्रह्मा मंदिर, सावित्री रोपवे और जो हमारे तीर्थ जो घाट है सारे सरोवर के,
उनको किस तरह से संचालन करना है, कैसे खोलना है, अगर खोलें तो क्या क्या नियमों की पालना करनी है, उस पर एक चर्चा रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी के सुझाव लिए गए। सुझाव में मूलतः यही बात सामने आई है कि सब इस पक्ष में है कि मंदिर जल्दी से जल्द खुलें और घाटों पे भी लोगों का आना जाना बनाया जाए, क्योंकि जो एक आर्थिक स्थिति है पुष्कर की वो सारी इसी पर डिपेंडेंट है कि लोग बाहर से जो पर्यटक आता है। परंतु विशेष जो एक हमें इस बारे में इसमें बात करनी थी वो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखेंगे, सफाई जो सैनिटाइजेशन ज़रूरी होता है इस कोविड काल में उसको किस तरह से हम करेंगे, उस पर एक चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। हम सभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिए जाएंगे, जैसा वहाँ से डिसीजन होगा उस पर अमल करेंगे। सरोवर में जो डुबकी है उसके लिए मेडिकल जो हमारे प्रभारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि विभिन्न मंदिरों में ये जो डुबकी लगाते हैं लोग विभिन्न घाटों पर मना कर दी गई है, जैसे कि अमृतसर में भी और भी कई जगहों पे, तो यहाँ पे भी सही नहीं रहेगा मेडिकल उससे भी और वायरस के संक्रमण के हिसाब से भी। अगर कोई डुबकी लगाता है तो संक्रमण फैलने की, क्योंकि उस सतह पे पानी के वो 4 घंटे रहने की उसकी रहती है वायरस की, तो इस पे प्रतिबंधित रखने के लिए ही हमने अनुशंसा की। उसके लिए हमने अभिशंसा करके मंदिर खुलने की कलेक्टर साहब को दे दी गई है, तो कलेक्टर साहब जिस तरह से डिसीजन लेंगे आगे राज्य सरकार जो डिसीजन लेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। नहीं, आपने मंदिर खोलने की अभिशंसा की है कि? कर देंगे आज, क्योंकि यही हमें तो सब तरीके से आया है, तो आज बैठक में यही हमारा निर्णय लिया गया है कि मंदिर खुले और आगे भी जिस तरह से गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करते हुए खुले। जो बाहर से आए हैं कहीं से भी आए हो चाहे, उनकी गाइडलाइन जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दी गई है, जिसमें हमें उनको होम क्वारंटाइन करना है। यदि वो सिम्टोमेटिक है तो उसके सिम्टम्स लेने हैं, अगर एसिम्टोमेटिक है तो जहाँ तक मुझे अभी जानकारी 10% एसिम्टोमेटिक के भी हमें रैंडम सैम्पलिंग लेनी है जो कि यहाँ ली जा रही है, और यदि उसके घर में बिल्कुल जगह नहीं है और वो आइसोलेट नहीं हो सकता है तो वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन भी उसको किया जा सकता है।